शनिवार को शहर में रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा, परंतु रंगों के इस त्यौहार में कई शरारती तत्व केमिकल रंगों का उपयोग करते हैं, जिससे लोगों की स्किन खराब हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के त्वचा रोग विशेषज्ञ द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे सूखे रंगों से त्यौहार मनाए, साथ ही कम से कम पानी का उपयोग करें। जानकारी देते हुए चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारंग का कहना है कि लोग दुश्मनी निकालने के लिए भी केमिकल रंगों का उपयोग करते हैं, जिससे आपकी त्वचा खराब हो सकती है। रंग खेलने के पहले शरीर पर खोपरे का तेल लगाएं, साथ ही इन दिनों कोरोना वायरस का भी भय फैला हुआ है, इसलिए जितना हो सके बीमार व्यक्तियों से दूर रहे, और यदि रंग खेलने के बाद शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो वे तत्काल जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि त्वचा बीमारी आगे जाकर घातक साबित हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे कि सूखे रंगों का ही प्रयोग करें। कल रंग पंचमी का दिन है, तो अपने को ये त्योहार अपना आनंद पूर्वक मनाना चाहिए और पानी की तो बचत करनी है। अगर अब आपको होली खेलना ही है तो सिर्फ सूखे रंग का प्रयोग करें, और वो भी हर्बल कलर का इस्तेमाल करें, केमिकल पेंट या कोई भी ऐसा रंग का इस्तेमाल ना करें, गाढ़ा रंग जो कि निकालने में दिक्कत होता है, इसलिए सूखा सिर्फ टीका एक दूसरे लगाएं और नमस्ते बोल के अभिवादन करें। कोरोना वायरस भी चल रहा है, जैसे सिर्फ नमस्ते करें, गले वले ना मिलें और ना ही हाथ मिलाएं, और सिर्फ सूखे रंग का इस्तेमाल करें।